दोस्तों स्वैग से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी में। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IPL टीम प्रीव्यू में किंग्स 11 पंजाब का प्रीव्यू, यानी किंग्स 11 पंजाब के पिछले सीजन और कुछ सीजन का एनालिसिस, किंग्स 11 पंजाब की प्रोबेबल प्लेइंग 11, किंग्स 11 पंजाब की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और किंग्स 11 पंजाब का स्क्वाड, थीम सॉन्ग और जर्सी, ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही आज तक किन किन प्लेयर्स ने किंग्स 11 पंजाब की कमान संभाली है इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं YouTube चैनल अतुल क्रिकेट अकेडमी को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुझे इंस्टाग्राम और मैक्स टकाटक पर फॉलो कर दीजिए, आईडी इंस्टाग्राम की दिख रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वाड और स्क्वाड के बैकग्राउंड में थीम सॉन्ग देख लीजिए। ने खाइया कसमा हुण चक देण फट्टे, वीरां दी टोली आई दंद कर देण खट्टे, आगे बढ़ते बढ़ते जाना है, अंबर छूके छूके आना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी तीन इयर्स के परफॉर्मेंस के किंग्स 11 पंजाब, यानी 2018, 2019, 2020। 2018 और 2019 की कहानी कुछ एक जैसी है। शुरुआत में बहुत अच्छे तरह से खेले, हर टीम को जाके हराया, अपने घर में हराया, लेकिन फिर सेकेंड हाफ, पहला जो 7-8 मैच था उसमें तो 5-6 मैचेस जीत गई है, लेकिन दूसरा हाफ जो था 2018 और 2019 में, उस हाफ में ये बहुत कम मैचेस जीत गए। ऐसा था कि जो लग रहा था कि इस बार टॉप टू में खत्म करेंगे, हो सकता है टॉप पे भी सीजन खत्म करें, वो नहीं कर पा रहे थे टॉप टू में, क्या वो टॉप फोर में भी नहीं रह पा रहे थे और प्लेऑफ्स भी नहीं खेल पा रहे थे, इतना बुरा प्रदर्शन कर रहे थे वो 2018 2019 में सेकेंड हाफ में। और 2020 की कहानी इससे उल्टी है। 2020 में पहला मैच हारे, दूसरा मैच जीते आरसीबी के खिलाफ, जिसमें केएल राहुल ने 132 रनों की शानदार पारी खेली, उसमें तो केएल राहुल जितने रन नहीं बना पाए थे आरसीबी, लेकिन उसके बाद सात या आठ ऐसे कुछ मैचेस में सिर्फ एक मैच वो जीता था, फिर आरसीबी इससे जब खेला तब फिर जीता और फिर जीतने की कहानी शुरू हुई, लेकिन आखिरी मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने हरा दिया किंग्स 11 पंजाब को। और चेन्नई सुपर किंग्स तो बाहर थी ही उस टाइम, और किंग्स 11 पंजाब भी बाहर हो गई। अब किंग इस साल किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर लिया है पंजाब किंग्स। तो पंजाब किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखते हैं। ओपनिंग में कप्तान केएल राहुल उनके मेन बैट्समैन, दूसरे ओपनर मयंक अग्रवाल, नंबर तीन पे क्रिस गेल और डेविड मलान में चॉइस है इनके पास, नंबर चार की बात की जाए तो वहां पे मनदीप सिंह, उसके बाद निकोलस पूरन, नंबर छह पे दो ऑप्शन है, दीपक हुडा भी आ सकते हैं और शाहरुख खान भी आ सकते हैं। शाहरुख खान ने बहुत मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया है विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, इसलिए उन्हें भी लिया है पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में। फिर नंबर सात की बात किया जाए तो नंबर सात पे इनके पास जाय रिचर्डसन का ऑप्शन है, फिर इनके पास रिले मेडेरेट और क्रिस जॉर्डन का ऑप्शन है। आई थिंक रिले मेडेरेट खेलेंगे कम से कम शुरुआत के मैचेस में, क्योंकि 8 करोड़ खर्चे हैं। जाय रिचर्डसन तो खेलेंगे क्योंकि जाय रिचर्डसन पे एक बड़ी रकम खर्ची है 14 करोड़ की। उसके बाद अगर आगे की बात किया जाए तो इनके पास मोहम्मद शमी का ऑप्शन है, पिछले साल शेल्डन कॉटरेल का ऑप्शन था लेकिन उन्हें हटा दिया। मोहम्मद शमी पिछले साल भी थे और इस साल भी हैं। फिर इनके पास नंबर 10 से 11 पे दो स्पिनर्स, नंबर 9 पे एक्चुअली मोहम्मद शमी, नंबर 8 पे रिले मेडेरेट या जॉर्डन में से एक, आई थिंक रिले मेडेरेट जैसा कि मैंने कहा, नंबर 10 से 11 पे दो स्पिनर्स मुरुगन अश्विन और रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई एक अंडर 19 का सितारा है और मुरुगन अश्विन आई थिंक ऑलराउंडर भी है, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी 25 की एवरेज है
जो एक बहुत बुरी नहीं मानी जाती है, नंबर 10 के बैट्समैन। तो अब अगर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात किया जाए तो स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है कि बॉलिंग में इनके पास, खासकर स्पिन बॉलिंग में ज्यादा अनुभव नहीं है। मुरुगन अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं है, रवि बिश्नोई अंडर 19 खेले हैं, लेकिन उतना बड़ा वो प्लेटफॉर्म होता नहीं है। और अगर और इनकी वीकनेस है, आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जाय रिचर्डसन पे फास्ट बॉलिंग के लिए। इनके पास मोहम्मद शमी है, लेकिन मोहम्मद शमी बहुत रन खाते हैं और इनके पास फिफ्थ बॉलिंग विकल्प कोई बहुत अच्छा विकल्प है नहीं। तो ये भी एक है, 7, 8, 9, 10, 11 के बाद इनके पास पांचवा विकल्प कौन सा है फास्ट बॉलिंग का? फास्ट बॉलिंग नहीं, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन। तो वो सिक्स बॉलिंग ऑप्शन इनके पास मनदीप सिंह है, क्रिस गेल है, यही सब है इनके पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन। फिर अब अगर बात किया जाए इनकी स्ट्रेंथ की, तो इनका टॉप ऑर्डर जो है, इनकी बैटिंग इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इनके पास ऊपर है केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, ये दोनों अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में एस्टैब्लिश्ड है। क्रिस गेल के तो क्या कहने हैं, डेविड मलान भी T20 स्पेशलिस्ट है, अगर आप उन्हें खिलाना चाहे वो नंबर 1 T20 बैट्समैन है। हालांकि स्पिन के अगेंस्ट वो फंसते हैं, ये बात उजागर हो चुकी है। उसके बाद इनके पास निकलस पूरन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 2018 से इनके लिए। उसके बाद मनदीप सिंह है जो अच्छा खेलता है स्पिन को। तो ओवरऑल टीम अच्छी है, बस इन्हें चोक करने से बचना है। उसके बाद अगर बात किया जाए, अगर बात की जाए किंग्स इलेवन पंजाब की कमान किन किन कप्तानों ने संभाली है, तो 2008 और 2009 में युवराज सिंह ने किंग्स इलेवन पंजाब की कमान संभाली, 2010 में कुमार सांगकारा ने कमान संभाली इस टीम की बस एक सीजन के लिए, फिर 2011 से 2013 तक एडम गिलक्रिस्ट ने कमान संभाली किंग्स इलेवन पंजाब की, उसके बाद 2014 और 2015 में जॉर्ज बेली ने कमान संभाली। 2014 का सीजन किंग्स इलेवन पंजाब के लिए बेस्ट सीजन गया था, वो साल फाइनल तक पहुंचे थे, फाइनल में 200 का स्कोर भी खड़ा कर दिया था रिद्धिमान शाह के शतक के मदद से, लेकिन कलकत्ता नाइट राइडर्स ने चेज कर लिया उसे आसानी से और किंग्स इलेवन पंजाब अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल हार गई। और फिर 2016 में डेविड मिलर को सीजन के शुरुआत में कमान मिली थी, लेकिन डेविड मिलर के अंडर किंग्स इलेवन ने बहुत खराब किया, उसके बाद कमान मुरली विजय को दे दी गई, उनके अंडर भी किंग्स इलेवन पंजाब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। 2017 में ग्लेन मैक्सवेल को दी गई किंग्स इलेवन पंजाब की कमान, ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छी कप्तानी करी लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब फिफ्थ पोजिशन पर रह गई। आखिरी मैच में अगर वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को हरा देते तो वो जा सकते थे प्लेऑफ्स में, वो चले जाते प्लेऑफ्स में और वो सेकेंड नंबर की टीम बन के क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने वो मैच जीत लिया और किंग्स इलेवन पंजाब उस सीजन से भी बाहर हो गई। 2018-2019 में इस टीम की कमान संभाली रविचंद्रन अश्विन ने, और फिर 2020 में यानी आखिरी सीजन और इस सीजन कमान संभालेंगे के एल राहुल।